गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आप लोग सोच रहे होंगे कि द रमन वाईटी चैनल पे ये लड़की कौन है जो ग्रीन ग्रीन ड्रेस पहन के खड़ी है। तो अभी आपके सामने दिख रहे हैं रमन जी। और हम कौन है, हम है बता देते हैं हम कौन है। आप सभी जानते होंगे, कंचन व्लॉग्स जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जल्द से ही कंचन जी 1 लाख सब्सक्राइबर पहुँचने वाले हैं, तो सब लोग सपोर्ट दिखाओ यार, और 1 लाख जल्दी पहुँचाना है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बड़े इमामबाड़ा भूल भुलैया, तो कंचन जी के साथ हम पूरा घूमने वाले हैं, घूमने जा रहे हैं बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया। तो आप लोग मत भूलिएगा, आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है और खूब ज्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो अभी चलते हैं। और अभी हमारे साथ जो है हमारे जुड़वा भाई रमन स्क्वायर हमारी भाषा में। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे, घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, दिखाते हैं। तब तक आगे मिलते हैं, व्लॉग में बने रहिएगा, व्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा देखिएगा। और ये देखो, इनको आप नहीं पहचान रहे तो पहचान लीजिए, ये हैं हमारे वंश। इनको आप हमारे चैनल पे डिटेल में जान सकते हैं कि ये कौन है। तो आप हमारे चैनल पे जाइएगा, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और अभी चलते हैं, फिलहाल हम भूल भुलैया घूमने। तो अभी जस्ट हम इमामबाड़ा के अंदर जा रहे हैं और भूल भुलैया घूमेंगे, टिकट लेते हैं, एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा, हालत आपको खराब दिख रही है, तो हम आपको अंदर भी ले जाएंगे और घुमाते हैं। अभी जस्ट हम एंटर कर चुके हैं इमामबाड़ा के अंदर। तो ये जस्ट देख रहे होंगे पीछे हमारे साथ कंचन जी हैं। तो अभी जस्ट हम इमामबाड़ा के अंदर आ चुके हैं, जैसा पीछे देख रहे होंगे, और ये आप पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें अंदर आने के लिए पर हेड 50 रुपीज टिकट पड़ा है। और यहाँ पीछे हमने शूज अपने रखे हैं, तो उसका चार्ज 2 रुपया है पर पेयर का। तो अभी हम आगे जा रहे हैं। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं भूल भुलैया के अंदर। तो काफी ज्यादा सीढ़ियाँ सीधी बनी हुई थी, तो चढ़ने में सांस फूल रही है। और ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे, तो गर्मी इतनी ज्यादा हो रही, मगर फिर भी कंचन जी को आई हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है उनको घुमाना। तो आज मैं उनको पूरा लखनऊ घुमा रहा हूँ, तो पीछे देख रहे होंगे कि वो व्लॉग कर रही हैं। हम लोग अभी अंदर भूल भुलैया के अंदर जा रहे हैं और अभी आपको अंदर भी देखने को मिलेगा। तो अभी आप अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हम इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी व्लॉग्स आपको दिखाते रहेंगे। तो अभी हम जस्ट अंदर एंटर कर रहे हैं। और वॉइस क्वालिटी यार बता देना कि मैं इस बार व्लॉगिंग माइक से ट्राई कर रहा हूँ, तो माइक से कैसी आवाज आ रही है, कैसा आपको क्लियर हो पा रहा है? और भी लोग हैं, हम आपको मिलाते हैं। भाई पसीने से ऐसा लग रहा है कि नहा गए, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। तो हमारे साथ हमारे रमन भाई और अभी और भी जो इनका इंट्रो आप सभी जानते हैं, आप देख भी चुके हैं कौन है। तो हमारे साथ कंचन जी, हम लोग की आवाज नहीं निकल रही है क्योंकि इतनी घूम के थक चुके हैं, इतनी हम लोग, तो अभी हालत हो चुकी खराब, बट फिर भी हम आपको घुमाने की कोशिश करेंगे अपने व्लॉग के थ्रू, हम आपको वो वाइब्स दे पाए, लखनवी वाइब्स दे पाए, तो आपको हम और भी चीजें दिखाते हैं। आप सबको जैसे पता होगा कि मैं इससे पहले भी बड़ा इमामबाड़ा आ चुका हूँ, बस मैं कंचन जी के लिए आया हुआ था बड़ा इमामबाड़ा घूमने के लिए। और तो अगर आपने मेरा वो वाला व्लॉग नहीं दिखाया है, तो आप बड़े इमामबाड़ा का व्लॉग आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके हमारे बड़े इमामबाड़ा का व्लॉग देख सकते हैं। तो और कंचन जी, आप थोड़ा मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए कि आपकी जर्नी कैसे शुरू करी, थोड़ा बहुत बताइए कि और भी जो गर्ल्स देखती हैं, लड़कियाँ देखती हैं, तो वो कैसे आप उनकी इंस्पिरेशन बन सकती हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए, अभी इसके लिए तो मैं क्या कह सकती हूँ, जर्नी की बात करें तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे YouTube पे। और हम जब बॉम्बे में थे तब वहीं से हमने अपना YouTube स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में हमारे बॉम्बे के बहुत सारे व्लॉग्स हैं, उसके बाद फिर हमने ट्रेवलिंग करना स्टार्ट कर दिया और अभी फ़िलहाल हम हर जगह ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत सारी जगह, साउथ इंडिया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ऐसे ही बहुत सारी जगह जा चुके हैं, वैष्णो देवी वगैरह। और इंस्पिरेशन की बात क्या करें, हम अभी तो हम खुद ही सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख के हम खुद ही करें। क्या होता है ना, जब आप नॉर्मल लाइफ में बात करना अलग चीज़ होती है, मतलब किसी से कम्युनिकेट करना, किसी से बात कर लेते हैं, बट अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो आपको कैमरे से बात करनी होती है। पहले तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता कि हमको देखना कहाँ होता है, हम लेंस के बजाय हम डिस्प्ले पे इधर देखते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमको खुद ही नहीं समझ में आता है। और फिर धीरे धीरे जब हम सीख जाते हैं, बहुत सारे लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि जब आप ब्लॉग शूट करती हैं पब्लिक प्लेस में, तो लोग आपको देखते रहते हैं, आपको
ऑकवर्ड फील नहीं होता है, मतलब आप क्या फील करती हैं? तो हमने बोला कि हम लोगों को देखते ही नहीं हैं जी। ये चीज पहले होता था स्टार्टिंग में कि जब हम शूट करने जाते तो हम बोलते थे कि लोग हमको देख रहे हैं कैसे शूट करें, लेकिन अब क्या होता है ना कि जब हम अपना कैमरा उठाते और ऐसे शूट करने लगते है ना तो हम नहीं देखते कि कोई हमको देख रहा है, सिर्फ हम अपने फोन के लेंस को देखते हैं। और कहते हैं ना कि कैमरे से प्यार करना, तो बस वही प्यार हमको हो गया है कैमरे से और कुछ नहीं है। तो अगर कुछ भी, मतलब अगर आप भी व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जो है कंचन जी को फॉलो करिए, वहाँ से पैशन अपना स्टार्ट करिए, फॉलो करिए तो आपको धीरे धीरे व्लॉगिंग करना आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू कंचन जी। के साथ एक और हमारे यूट्यूबर भाई हैं जिनका नाम भी रमन है, तो रमन स्क्वायर आज आ चुके हैं। तो अभी रमन भाई थोड़ा बताएंगे कि वो उनका यूट्यूब जर्नी कैसे, उन्होंने क्या शुरू किया और कैसे कैसे उन्होंने। तो मेरे चैनल का नाम है हिंदी यूट्यूबर, मैं ज़्यादातर मैं लखनऊ में रहता हूँ और भाई भी लखनऊ में थे और आज भाई से मुलाकात हो गई लखनऊ में आकर, और भाई का नाम भी रमन है और मेरा नाम रमन यादव, आप लोग जानते हैं। और मेरी जर्नी की भाई यूट्यूब की जर्नी ये थी कि मैं यूट्यूब पर एक वीडियो आ गई थी जी, यूट्यूब पर एक वीडियो आई थी कि पैसे कैसे कमाए यूट्यूब पर जी, तो उसी हिसाब से मैं यूट्यूब पर कूद पड़ा। तो कूद पड़ा तो भाई आज आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और भाई का चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर करना। देखो भाई अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना, वरना सब्सक्राइब मत करना। अच्छी मेहनत कर रहे तो हमारा तो अच्छा जाएगा फिर। तो अभी हम कंचन जी यहाँ से जा रहे हैं और भूल भुलैया तो आपको पता ही है कि छोटी छोटी रास्ता है तो निकल नहीं सकते, तो हम लोग जिस रास्ते आए थे फिर वापस उसी रास्ते से जा रहे हैं और आगे कुआं पीछे खाई, इधर से निकल चलते हैं। तो अभी हम पूरा व्लॉग जो है कंचन जी के साथ शूट कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं इनको और अगर नहीं जानते तो इनके चैनल आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अभी जस्ट हम लोग भूल भुलैया घूम चुके हैं और भाई हम लोग भूल भी चुके हैं, आगे दरवाज़ा बंद है भाई। ये देख रहो, आइए आइए हम लोग किधर से निकल रहे हैं, आइए अब कोई रास्ता नहीं, तो हम लोग रास्ता गए थे भूल और ये देखिए कंचन जी, ये रास्ता हम लोग सभी लोग भूल चुके रास्ता, तो हम लोग गलत रास्ते से ये कंचन जी आ रही हैं, इस ये रास्ता नहीं खिड़की है। अभी कंचन जी की दीदी वो भी यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे बह चुकी है। आ जाइए आ जाओ आ जाओ। तो हम लोग खुद ही रास्ता भूल गए कि किधर से आना है किधर से जाना है। तो ये व्लॉग यहीं तक रहेगा, तो सॉरी फॉर दैट, मैं आगे व्लॉग शूट नहीं कर पाया, वो मैं इसलिए नहीं शूट कर पाया क्योंकि कंचन जी को और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, तो मैंने अपने व्लॉग को मैं कुछ ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाया, तो मुझे लगा कि आप सबसे बताना चाहिए कि मैं आगे और व्लॉग क्यों नहीं शूट कर पाया। तो आई होप सो प्लीज़ इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो हमारे गेस्ट थे तो मेरा व्लॉग इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोनों कर लें और हम इसी तरह आपको अच्छे अच्छे कॉन्टेंट के साथ और मिलाते रहेंगे, और आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी इस चैनल को और कंचन जी के चैनल को आप पूरा सपोर्ट दिखाइए और उनका जल्दी से जल्दी आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर कर सकते हैं प्लीज़ करिए और उनको सपोर्ट दिखाइए और अपना और रमन वाईडी यूट्यूब चैनल के साथ तो भाई अपनी फैमिली तो एकदम दम लगा के एकदम दिखाओ यार, कि एकदम तगड़ा सपोर्ट होना चाहिए अपनी तरफ से। तो तब तक ये वीडियो यहीं तक रहेगा, मिलते हैं आगे।